सो हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में हम लोग इंडेसेस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिक में तो ऐसे एक्चुअली क्लास 8-9 में बच्चों को बता दिया जाता है, 8-9 से भी पहले, आई थिंक 9 से पहले 7-6 में ही बता दिया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, लॉ ऑफ इंडेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ इंडेसेस, INDICES। देखिए, लॉ ऑफ इंडेसेस क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। सो इफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है, कोई नंबर है नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर है, नॉन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर। तो लॉ ऑफ इंडेसेस में पहला हम लोग देखते हैं कि अगर ए का पावर जीरो हो तो किसी भी नंबर टू द पावर जीरो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वन। तो एनी थिंग टू द पावर जीरो बिकम्स वन। ए नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो जीरो का पावर जीरो फिर अलग चीज हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। सेकेंड बात करेंगे हम लोग, ए टू द पावर अगर कोई माइनस एम है तो एम भी, चलिए हमने पॉजिटिव ही मान रखा है ताकि हम लोग को समझने में ईजी हो, तो एम इज़ ग्रेटर देन जीरो में लिया है, इसको आप चाहो तो वन अपॉन ए टू द पावर एम लिख सकते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या होता है कि अगर ए टू द पावर एम प्लस एन है तो आप ना इससे बेस सेम है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बेस सेम होने से पावर एक्चुअली ऐड हो जाता है। इसका एग्जांपल आप सब जानते हैं, अगर मुझे लिखना है एक्स का पावर माइनस थ्री को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन एक्स टू द पावर थ्री, ये दोनों ही क्या होगा अपने पास, सेम होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर की बात करें, अगर ए टू द पावर एम माइनस एन तो ये हो जाएगा एक्चुअली में तो ए टू द पावर एम बटे ए टू द पावर एन, या ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा वो ए रेस टू द पावर, चाहे ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है ऐसे सही हो जाए, बाकी तो फिर सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट अपने पास। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखिए, इसे ध्यान रखिएगा, जब भी पावर का पावर होना तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ए के पावर एम है और इस पूरे के पावर एन है, और इसको आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू एन, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बच्चे ना इसके साथ मिस्टेक करते हैं कि अगर ए के पावर एम है और एम के पावर एन है तो इसको नहीं कुछ करेंगे हम, ध्यान रखिएगा, फिर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इसको सर ऐसे प्रोडक्ट में, नहीं वो गलत हो जाएगा, पूरे का पावर एन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर अपने पास ए टू द पावर पी अपॉन क्यू है तो ए जो वन वाला है ना एक्चुअली होता है रूट में, आप चाहो तो ले सकते हो क्यूटीथ रूट ऑफ पी ए टू द पावर पी, ऊपर वाला इसका एक्चुअल पावर होता है और वन अपर वाला इसका क्या होता है, पी उसका रूट में होता है। ये सब भी होपफुली आपको पता होगा, अगर रूट अंडर एक्स लिखा है इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड है कि पावर वन बाई टू है, अगर टू के अलावा कुछ लिखना होगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ऐसे मान लीजिए मुझे लिखना है क्यूब रूट तो मैं यहाँ थ्री लिखूंगा, इसका मतलब एक्स के पावर वन बाई थ्री होगा, टू के लिए अंडरस्टूड है। तो ये बात समझ में आ गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए तो प्रोपोर्शन तो दो तरह का होता है हमारे पास, या रेशियो एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कोई क्वांटिटी अगर एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, चाहे वाई ले लो, चाहे ऐसे लिख लीजिए आप कि वाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है,
तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं k इन टू x। ये आप लिख सकते हो कि y अपॉन x का वैल्यू क्या हो गया, k हो गया। तो सिमिलर आप लिख सकते हैं कि सर अगर y1 अपॉन x1 है वो सेम हो गया, y2 अपॉन x2 का, ऐसे ऐसे करके सब सेम हो जाएगा और वो सब इक्वल टू k हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है इसका वो हमारा सेम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, x1 अपन y1 या y1 अपन x1, तो इसका जो प्रोडक्ट है ना वो हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे रेशियो सेम हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा सेम। नेक्स्ट हम सेकंड बात करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है अपने पास कि ये हो गया आपका y इज, अगर बोलता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका मतलब वन बाई एक्स हो जाता है कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई हमको फिक्स डिस्टेंस 5 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना है और अगर मैं अपना एक्सीलरेटर बढ़ा दूंगा, मतलब स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लगेगा, या अगर स्पीड कमा दूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्पीड कम रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, या स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम कम रहा है। तो इस केस को क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं कांस्टेंट डाल के, दिस इज के अपॉन एक्स। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स वन वाई वन चाहे एक्स वाई, ये सब सेम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से देखिए ना, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कांस्टेंट आ गया, मतलब प्रोडक्ट जो है दोनों का कांस्टेंट आ रहा है। तो एक्स टू वाई टू हो गया, या इस तरीके से जितने भी टर्म बनेंगे हमारे पास एक्स एन वाई वन जो भी है, ये सब वैल्यू कांस्टेंट के हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज़ प्रोपोर्शनल में है तो उसको हम के डाल करके आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें कुछ देखिए, अगर मैं लिखता हूँ मान लीजिए कि ए इज टू बी और ए सी इज टू डी, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है कि ए अपॉन बी इसका मतलब इक्वल टू होता है सी अपॉन डी। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ऐसा तो बेसिक बेसिक सा चीज़ है जो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि a इज टू b इज टू c है, इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली कि a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c है। तो इसमें आपका जो है b स्क्वायर जो होगा इक्वल टू ए सी टाइप का हो जाएगा, मतलब अगर तीनों प्रोपोर्शनल में हो तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। आगे देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट, इसका नाम है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो, ये इनवर्टेंडो क्या होता है ध्यान दीजिए, अगर अपने पास मान लीजिए एक ए इज टू बी है इक्वल टू सी इज टू डी है, है ना। तो इनवर्टेंडो वाला बोलता है कि आप इसको चाहो तो इन्वर्ट कर सकते हो, बी इज टू ए इक्वल टू डी इज टू सी भी लिख सकते हो। कैसे, देख लीजिए, ए इज टू बी का मतलब क्या है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी इज टू डी का मतलब क्या है, सी अपॉन डी। तो क्या हम इसको रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हो। तो बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिखूँगा बी इज टू ए इक्वल टू डी इज टू सी। ओके है, बोलते रहिएगा ओके है कि नहीं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मुझे समझ में आ जाएगा, आप पूछेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता चलेगा दिक्कत है, पता चल जाएगा भाई, आप बोलना बंद करोगे मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ तुमको दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए बोलते रहिए मेरे साथ। और हमेशा जब भी पढ़ रहे हैं आप तो कॉपी पेन के साथ रहिए। दूसरी बात कि वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है भाई, अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट तो करना बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेंडो। अगला क्या होता है अपने पास, अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो एन एन डी ओ, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या होता है अपना, जैसे मान लीजिए अपने पास ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा अल्टरनेंडो में कि आप, सॉरी यहाँ पे सी इज टू डी है ना, तो आप इसको यहाँ ले सकते हो। तो अल्टरनेंडो पर लिख लेते हैं, ये बोलता है कि a इज टू c इक्वल टू b इज टू d कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हैं। प्रूफ कर लेते हैं फटाफट, देखिए एक बार। तो
ए इज टू बी का मतलब क्या है, ए अपॉन बी है इक्वल टू सी अपॉन डी है, समझ रहे हैं बात को। तो क्या हम लोग, मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। देखिए मैं ए दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ए इज टू के फॉर्म में, तो ए इज टू सी इक्वल टू बी इज टू डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यही तो है उत्तर। तो ये हमारा क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या करना है, ये दोनों भाई साहब अपना पोजिशन अल्टरनेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। किनारे किनारे सेम रहेगा, किनारे किनारे वाला सेम रहेगा, बीच वाला अपना पोजिशन चेंज कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंडो। अगला क्या अपने पास, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। देखिए कंपोनेंडो क्या होता है अपने पास, मान लीजिए कि ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, समझ रहे हैं बात को। तो कंपोनेंडो क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो का मतलब होता है ना कि नीचे वाले को ना ऊपर में ऐड करना अपने को, कंपोनेंडो का मतलब नीचे वाले को ऊपर में ऐड करना। तो अगर मैं इसको रेशियो को फॉर्म में लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी और ये हो जाएगा सी अपॉन डी। तो कंपोनेंडो का मतलब क्या है, नीचे वाले को ऊपर ऐड करो, ए प्लस बी बाई बी हो जाएगा और यहाँ पे C प्लस डी बाई डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना। अगला देखिए एक है डिविडेंडो। क्या है डिविडेंडो, डी आई वी आई डी ई एन डी ओ। डिविडेंडो क्या होता है इस बात को समझिए, मान लीजिए ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी है, ठीक है। डिविडेंडो का मतलब होता है कि नीचे वाले को ऊपर में से सब्ट्रैक्ट करना, कर दीजिए। तो एक बार मैं लिख कर दिखाता हूँ कैसे हो जाएगा। देखिए तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डिविडेंडो का मतलब होता है ए माइनस बी अपॉन बी करना और यहाँ पे सी माइनस डी अपॉन डी करना। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, डिविडेंडो। क्या बोलेंगे, डिविडेंडो। अब दोनों का हाइब्रिड बनाएंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगा, इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन में यूज होगा। क्या नाम है इसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। शॉर्ट में ना इसको सी एंड डी भी कई लोग बोल देते हैं, सी एंड डी, सी एंड डी कैसे डी बनेगा, अरे बहुत मुश्किल है भैया एंड बनाना, ए आ गया ऐसे, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे अपने पास कोई है ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, ठीक है। तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, तो पहले अगर कंपोनेंडो करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी, डिविडेंडो करेंगे तो देखिए एक्चुअली हम यहाँ से चलिए कंपोनेंट प्ले कर देते हैं और ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई डी, समझ रहे हैं बात को। डिविडेंडो क्या होगा इसका, ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। मुझे कंपोनेंट डिविडेंडो निकालना है तो पहले दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर आपका। तो फर्स्ट को अगर हम डिवाइड कर दें सेकंड से तो यहाँ आपका आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यही अपने पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है कि नहीं बताइए। ओके तो ये सब इसमें से हमारे पास आ रहा है। अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसका कि कैसे इसका क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वेविक कर्व मेथड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैशनल इनइक्वालिटीज। तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ इसके ऊपर और फिर हम वो देखेंगे वेविक कर्व मेथड। तो चलिए एक क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को करके देखिए आप लोग, पहले ट्राई करिएगा। सॉल्व करने के लिए बोला गया आपको थ्री एक्स टू द पावर फोर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाय थ्री एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फाइव एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री। ठीक है जी, कुछ नहीं, सिंपल सा है। तो यहाँ पे भी ना आप अगर कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो चीज़ें इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए सिमिलर टर्म ऊपर नीचे कुछ दिख रहा है हम लोगों को, तो चलिए मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी। तो कंपोनेंडो में क्या करते हैं, नीचे वाला टर्म को ऊपर में ऐड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए दोनों तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ए और ए कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, यानी कि ऊपर में आ जाएगा अपने पास सिक्स एक्स टू द पावर फोर। जब करेंगे डिविडेंडो तो ऊपर वाला में से निचला सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ए कट जाएगा और ए वाला ऐड हो जाएगा, ए माइनस में ए भी ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास टू एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा फोर एक्स माइनस में आ जाएगा सिक्स। सेम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ये आ जाएगा टेन एक्स रेस टू द पावर फोर डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स और हो जाएगा आई थिंक प्लस सिक्स हो जाएगा क्या, हाँ प्लस सिक्स हो जाएगा। तो देखिए क्या कुछ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ कर सकते हैं कुछ कुछ। तो इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, एक सॉल्यूशन तो एक्स इक्वल टू जीरो भी होगा तो वो मैं अलग से काउंट कर लेता हूँ कि एक इक्वल टू जीरो हो गया एक सॉल्यूशन। दूसरा अगर एक्स जीरो नहीं है तो हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा तीन दूनी छः और पाँच दूनी दस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़्यादा ईजी होगा। तो चलती है, और चाहो तो दो भी यहाँ से काट दे क्या, चलिए एक बार काट देते हैं। तो थ्री ये हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री और ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू कॉमन करिएगा, ये हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, ये हो जाएगा प्लस थ्री। ठीक है जी, देखिए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस फिफ्टीन, क्या है माइनस फिफ्टीन। इधर बुला के ले आइए, ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इलेवन एक्स और ये हो जाएगा कितना, नौ पाँच चौदह यानी ट्वेंटी फोर हो जाएगा क्या, इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन करिए, एक्स माइनस एट माइनस थ्री कॉमन करिए, एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो एक तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस एट और एक आ जाएगा फैक्टर x माइनस थ्री। एक सोल्यूशन x इक्वल टू जीरो पहले हम निकाल चुके हैं, तो अगर a जीरो होगा तो x माइनस एट इक्वल टू जीरो, या क्या हो सकता है कि ये फैक्टर जीरो हो जाए, तो दोनों को हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो एक x का वैल्यू एट आ जाएगा और x का वैल्यू थ्री आ जाएगा, और पहले हमने निकाला था x का वैल्यू जीरो। तो तीन आंसर x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू एट। सो दिस थ्री आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप सी एन डी अप्लाई नहीं करते तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो सी एन डी का हिंट कैसे मिलेगा पूछ सकते हो कि सर हिंट कैसे मिलेगा। तो हिंट आपको मिलेगा कि जब क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ टर्म सिमिलर दिखे तो हम समझ जाएंगे कि कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है।
ठीक है। तो चलिए बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग बेबीकर मेथड का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स और हर जगह भी यूज होता है। तो इसके बाद हम लोग आगे इसी को देखेंगे। चलिए थैंक यू सो मच। तो होपफुली आप सब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही हैं, कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।